चलो पहले क्वेश्चन से दोबारा फटाफट से शुरू कर दो। चलो पूजा बताओ फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें क्या आएगा बताओ फटाफट से। छठे में क्या आता है, भाग छह में क्या आता है, राज्य राज्य के बारे में, भाग थर्ड में क्या आता है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फोर ए में क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटी। चलो ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है सेम। कौन सी पंचायती राज भाग नहीं। ठीक है, अब चलो बता पूजा, भारतीय संविधान के 11वें अनुच्छेद में कितने विषय हैं बताइए। 29। बारहवीं में कितनी है तो फिर बताइए, बारहवीं में कितने हैं? 24। सपना तो मैंने ठुकाई होगी। अरे हाँ, 18 है ना सर? हाँ 18। ठीक है, चलो अब नगीना तुम बताओ फोर्थ का, ये अच्छा क्वेश्चन है याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान से पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए मतदान से पहले ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभ्यर्थी मतलब कौन कर रहा है, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में कैंडिडेट। मृत्यु हो जाए तो दो होगा इसका, केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान के दस। हाँ तीन भी होगा, यदि एक ही अभ्यर्थी शेष रहे तो तीसरा हो और तीसरा भी होगा। मतलब तुम क्या बता रही हो, ये सही, ये होगा पहला मतदान? नहीं होगा, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा हाँ। होगा हाँ। अरे ये लेकिन अगर, लेकिन यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो फिर एक के लिए मतदान कराने का क्या ही फायदा, तो एक तो तीसरा भी होगा। अच्छा, और ये यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान, हाँ ये सही है, अगर ऐसे ज्यादा है तो फिर क्या फायदा। तो बताओ अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, तीनों से ना वापस से थोड़ा सा कम करो इसे। लो दो चार डी आ जाएगा आंसर, इस तरह नहीं होगा। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना, कॉन्ट्रडिक्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें से हाँ चौथा, दूसरा और चौथा ही होगा। अरे तीसरा भी तो होगा, इलेक्शन होते हैं कई सारे लोग होते हैं। देखो सुनो ध्यान से सुनो, इधर यदि पंचायत चुनाव मतदान पूर्व किसी अभ्यर्थी मुक्ति हो जाए तो क्या होगा। आप देखो सभी बात, आप ये अपने को कंडीशन नहीं दिया ना कितने इलेक्शन लड़ने वाले क्या है, तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये तो कंडीशन दे रहा तब अप्लाई होती है ना, तब अपन कंफर्म बोल सकते हैं। जैसे अब ये कंडीशन दिया तब ये सही हो गया ना भाई, एक कैंडिडेट खड़ा तो सभी सी बात है मतदान स्थगित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, और मान लो यदि एक से अधिक अभ्यर्थी सही से मतदान स्थगित नहीं होगा तो ये बात सही है, थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ गया ना। चलो सपना बता पांचवे का। मेरा क्वेश्चन बना के पूछा, एक सेकंड, ये क्या है, ये क्या है, सदिश गण क्या होगा बताओ। इसमें नहीं, इसमें डी आएगा क्या? क्यों डी? क्यों तो क्यों, रीजन बताओ मुझे। क्योंकि ये निलंबित हो जाएगा तो इसमें टेम्परेरली हो रहा हुआ है ना, तो उसके जब तक काम करने के लिए तो करना पड़ेगा ना, अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अच्छा नगीना तुम बताओ, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकारी करेगा, अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ये हो सकता है सर डी वाला।
अरे डी है, देखो इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं। देखो सुनो, जैसे मान लो राष्ट्रपति नहीं रह जाता, मर जाता, तो समाजवाद उसकी जगह कोई रिप्लेस कर देता ना। मेरे को शासन कराने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए चाहिए। अगर मान लो समाज जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं रहोगे तो उसकी जगह कोई ना कोई आ ही जाएगा ना, टेम्पररी टाइम के लिए आ जाएगा कोई ना कोई। ये दोनों तो होगा ही नहीं, सब ऐसी बात है। चलो छठा क्वेश्चन है पूजा, बताओ। और कौन कौन है? अमित है, अमित। चल छठा बताओ पूजा। तो पहला तो सही है सर, पहला जिला निर्वाचन में एक ही अधिकारी होता है, ये बात सही है। गवर्नमेंट में तीन होता है, एक या अधिक रेटिंग अधिकारी। सर हमको ना रेटिंग समझ नहीं आ रहा था, कोशिश कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग करता है, तीन भी सही है सर, एक और तीन सही है। रेटिंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग, हाँ एक तीन तो हमको लग रहा है ज्यादा आगे रही है। रेटिंग अधिकारी की नियुक्ति क्या आयोग की नियुक्ति के लिए ये किसके आवाज आ रही है अपनी तरफ से? सारे ऑप्शन दिखाना। अरे सारे ऑप्शन चार भी सही है। इसके बाद नायब तहसीलदार नहीं, इधर देखो इंग्लिश। हो सकता है ये भी सही है, पांच भी सही है। छह नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रेटिंग अधिकारी हो सकता है, छह भी तो सही है ना। ये सारा ऑप्शन तो ये में मिल रहा है हमको जो लग रहा है, ये नीचे वाला नहीं होगा सेवन नंबर का। अच्छा सेवन एट नहीं होगा, सेवन एट किस में नहीं है सर, ए हो जाएगा इसका आंसर। शाबाश, सही है। अब देखो सुनो, इसमें सर रिटर्न से अधिकारी क्या है इसको डिफाइन कर दो। सुनो ध्यान से, चलो ठीक। देखो पंचायत चुनाव के विषय में क्या होता है, ठीक है। मान लो कि पहली बात ये याद रखना कि पंचायत चुनाव जो करवाता है वो राज्य का एक आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ये चीज़ याद रख लेना। निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, राज्य का आयोग होता है वो करवाता है, ठीक। पहली बात, ठीक। अब देखो एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, और ये याद रखना मोस्टली कलेक्टर होता है, डीएम होता है, ठीक। पावर इनके हाथों में रहती है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ करना क्या होता सब कुछ, ठीक। जिला निर्वाचन अधिकारी, और मैं फिर बता रहा हूँ जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब ये चुना जाता है, मतलब जैसे कोई अधिकारी उसको चुन लिया जाएगा, ये है जिला निर्वाचन अधिकारी। ऐसा नहीं कोई अलग से कोई पोस्ट होती है, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं ना, उन्हीं को चुन लिया जाता है, उन्हीं में से भाई उसको बना दिया जिला निर्वाचन अधिकारी, ये इसकी देख रेख में सारा चुनाव होगा। मोस्टली ऐसा होता है कलेक्टर को दिया जाता है ये पद, ठीक है। तो सब ऐसी बात, ये बात तो सही है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये बात रिटर्निंग अधिकारी मैं फिर बता रहा हूँ, दे आर मोर रिटर्निंग ऑफिसर, जो मतलब कि सब ऐसी बात है, जो ये डिसीजन देगा उसको कार्य करने का काम होता है इनका, ठीक है। अब इतना यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, घबराओ मत, कि रिटर्निंग अधिकारी क्या होता है, मतलब ये चीज़ याद रख लेना कि जो इससे नीचे रहेंगे एसडीएम जो रहते हैं ना, उनको रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। सब ऐसी बात है, एसडीएम बहुत सारे होते हैं उस जिले में, तो सबको उनको रिटर्निंग अधिकारी बना देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो, रिटर्निंग अधिकारी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, वही बता रहे इलेक्शन कमीशन जो है चूज करेगा कौन कौन बनेगा कौन कौन नहीं होगा। इसमें ऐसा होता है ना भाई, कोई बेईमान आदमी तो नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुका हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो वो ध्यान रखा जाता है, इलेक्शन जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो चूज करता है, ठीक। अगला, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो आईएएस अधिकारी होता है, जो डीएम होता है, इसकी सहमति से करते हैं उसको चूज, ठीक है। नॉर्मल बात है, सब ऐसी बात है, उस जिले का अगर कलेक्टर उसको पता रहता है कौन सा एसडीएम कैसा है क्या है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। अगला, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी, मैंने बोला था ना, देखो ये आ गया ना एसडीएम, नायब तहसीलदार उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखो, तो नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, हो सकता तो पॉसिबिलिटी बात है, सही है। देखो सकता वाला कॉन्सेप्ट अपना हर जगह लगेगा, ये ट्रिक याद रखना। अगला, नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये बात सही है, हो सकता है, ठीक। अगला, नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, अरे एक ही याद रखो, देखो जो अपने से लोअर का अधिकारी हो सकता है, अपर लेवल का सिली हो सकता है, समझ में आया ये चीज़। मान लो कि मैं किसी
जिले, मान लो कि किसी तहसील का मैं मान लो SDM हूँ, तो मैं किसी जिले का जाके इसलिए कोई अधिकारी बन जाऊंगा, समझ में आया ना? तो वो तो गलत हो जाएगा ना, ये मतलब ये वाला सातवां गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, जिला निर्वाचन अधिकारी एकमात्र रिटर्न, इस टाइप के वर्ड अपन जानते हैं गलत होते हैं, एकमात्र रिटर्न अधिकारी है नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है वैसे बहुत सारे रिटर्निंग, जैसे और अदर जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे उनके जो कलेक्टर रहेंगे वो रहेंगे ना, ठीक है? मतलब कह रहे मतलब कि पता होना चाहिए प्रोसीजर, ऐसा इतना डिटेल में जाके UPSC कभी नहीं पूछेगा रिटर्न, इनके सब UPSC के कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहता। चलो ठीक है, साथियों को बताओ ना कि ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करो लगे ना, बताओ। अरे आवाज आ रही है मेरी? सॉरी सर, बता रही हूँ। हाँ बताओ। देखो कैसे होगा ये बताओ। चलो देखो सुनो, नगर पालिका अवधि के विषय में क्या सही है? नगर पालिका अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। कहाँ से की जाती है? अगर ये गलत हो तो बताओ। नगर पालिका की अवधि की गणना सर इलेक्शन होते हैं ना, परिणाम की घोषणा की तिथि से नहीं, जिस दिन परिणाम होता है उसी दिन से। अरे फिर तो ये बात सही होगी ना, अगर तुम ये बात बोल रही हो तो। जैसे मतलब मेरा कहना है मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति है मान लो कोई, जैसे उसका चुनाव होना है, अब चुनाव के परिणाम के अगले दिन से काउंट हो जाता है, ये जब वो अपॉइंट होगा उस दिन चुनेगा, शपथ लेगा उस दिन से होता है, याद रखना शपथ लेता है ना उस दिन से, हाँ उस दिन से होता है, उस दिन से चलिए होगा। ठीक, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन तिथि से की जाती है, वही मैं तो बता रहा हूँ, देख लो प्रथम सम्मेलन जो मिलेगा कब, जब उसको शपथ वपथ मिलाता है सब, ठीक है? नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है, ये बात सही है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई हो तो नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए, ये तो अपन जानते हैं, पर याद रखो 6 महीने, अगर जैसे मान लो 6 महीने बचा है और 6 महीने मर गया कोई विघटित हो गया, तो याद रखना कि फिर दोबारा चुनाव होंगे, ये वो उस टेन्योर के लिए ये याद रखना। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई हो तो नई नगर 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की, नहीं तो अभी देखो दोनों स्टेट में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों साथ में आएंगे नहीं, दोनों में से एक जरूर सही होगा, वो याद करो वो ट्रिक, हमेशा ये काम आएगी वो ट्रिक है। चलो ठीक है, 8 को बताओ पूजा, ये तो पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लाना। पूजा सो गई क्या? पूजा लग रहा है सो गई है। सपना तुम बताओ। अभी बता रही हूँ। इसमें ये आएगा ना डी? हाँ गलत है, रुक जाओ, अब कौन कौन है यहाँ पे, एक बार मुझे देखने तो दो कौन कौन है। सपना, नगीना, नर्मता, रिद्धि, चलो नर्मता बताओ। नर्मता बताओ, पहला आएगा BR मेहता समिति, पहला आएगा। हाँ फिर उसके बाद कब आई थी BR मेहता कमेटी बताओ, ईयर बताओ। 1957। हाँ फिर अशोक मेहता है। हाँ ये कब आई थी? 1977। हाँ ठीक है, राव समिति। हाँ ये कब आई थी? 1985। अरे
कौन सा आई डी इसके बाद ठीक है चलो आगे बढ़ो नब्बे का जिला आप देखो यही क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था चलो यो कौन सा एक्ट के तहत होता सपना अरे बिहार में तो सत्तावन पंचायती राज इसी के बाद तो लागू होती है 1959 से इसी समिति रिकमेंडेशन के आधार पर बताओ नाइन का बताओ जल्दी से नाइन का बताओ ये भी देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो यूपीएससी का मतलब एग्जामिनर भी थोड़ा बहुत हिंट देता है कभी फैक्चुअल चीजों में चलो दसवें का बताओ अरे बताओ कोई तो बताओ सो गए क्या सब लोग अरे पढ़ने तो दो इसका डी बताना ऑप्शन क्या है इसका डी इसमें भेज सकते हैं ना बस तुम्हें दिया सकता है गलत है तुम्हारा छोड़ो कौन बताएगा पूजा तो सोई गई है चलो ठीक है अब कौन बचा है नगीना तुम बताओ नगीना अरे कॉमन देखो सुनो चलो छोड़ो यदि एक पार्षद विधि व्यवसाय होते मान लो कि विधि का व्यवसाय है ठीक है होते किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता तो सभा ज्यादा गलत काम कर रहा है ना तो उसको कलेक्टर उसको हटा सकता खत्म ना अगर गलत काम कर रहा है उसको काहे पदवी बनाए रखेंगे काहे उसका विधि व्यवसाय कार्य कर सकता हो चलो अब ये कौन मतलब वैसा ले ग्यारहवें क्वेश्चन का जवाब अगर वो अच्छा काम कर रहा होगा तो अरे गलत काम कर रहा है ना विधि के खिलाफ जाके विरोध कर काम कर रहा है विरोध कार्य कर रहा है नगर पालिका परिषद के विरुद्ध जाके काम पालिका गलत काम कर रही हो और वो उसके विरुद्ध कर रहा हो तुम इस दुनिया में आई हो तो भाई पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाते हो चलो ठीक है वैशाली बताओ ग्यारहवें का वैशाली इसमें 20 लाख तो मैंने पढ़ा है और नहीं पढ़ा भी आ सकता है 20 लाख ही है ठीक है चलो बारहवें को बताओ वैशाली ये क्या है मिलो के लिए वैशाली बताओ बारहवें बारहवा क्वेश्चन होता हाँ सही है टी है ना सी ये यूपीएससी का क्वेश्चन है चलो ठीक है तेरहवें का बताओ वैशाली अरुणाचल प्रदेश सी वैशाली चौदहवें का बताओ चौदह का भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है आचार्य एमडीओ बी आर मेहता जी वी के राव एम एल सिंह आई थिंक सर बी आर मेहता हाँ क्योंकि मैंने बोला था ना इसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण हुआ था ठीक है 1957 में आया था ये बी आर मेहता नहीं है अरे बी आर मेहता ही है यही है पक्का
अरे भाई पंचायती व्यवस्था शिल्पी मतलब आर्किटेक्चर किसके कारण भाई सबसे पहले इसी की समिति बनी थी और इसी ने तो बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था सिस्टम होना चाहिए, तभी तो 1959 से जो नागौर में सबसे पहले बनी थी जवाहरलाल नेहरू जाके घोषणा की, तो शिल्पी यही हुआ ना इसका आर्किटेक्चर। और दिमाग लगाया करो, सबसे पहले वो आई उसके बाद ही तो पंचायत आया है ना, तो भाई समझ आर्किटेक्चर जिसने निर्माण किया हो जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर वो बनी हो। चलो ठीक है, 15वें का बताओ नर्मदा। गलत, या फिर बी हो सकते हैं दोनों में से एक। गलत, अब बोलो। भारत में ब्लॉक ये तो पंचायत से जिला स्तर, ये तो जिला स्तर पर होगा ना। अरे तुम पढ़ तो लो, क्वेश्चन का पूछ रहा है तुम क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज सभी को मेरी आवाज ब्रेक होती दिख रही है, बताइए। हाँ ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में। अरे सभी को सभी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज ब्रेक, या इसी को दिख रही है? चलो बताओ जल्दी से। देखो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, अरे प्रशासनिक अधिकारी प्राधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, अरे सलाहकार निकाय नहीं है। सलाहकार निकाय तो कमेटी वमेटी होती है भाई, ये सब गवर्नमेंट के एक ऑफिस की तरह काम करती है भाई, तो प्रशासनिक अधिकारी ना हुआ क्या? वहाँ पे सेक्रेटरी बैठता, याद करो, इतना ज़्यादा तो दिमाग लगाया करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा। चलो सपना बताओ सोलह का। सपना गलत नहीं होना चाहिए, मैं इंग्लिश में पढ़ लो। हमें पूर्ण भरोसा है सपना इसका गलत आंसर देगी। वो तो हमें पता है, तो तुम गलत आंसर दोगी। अब रुक जाओ ना, सुनो मैं जिससे जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। वैशाली, वैशाली जवाब दो आप। देख लेना वैशाली सही, वैशाली सही जवाब देगी। हाँ वैशाली जवाब दो इसका। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उत्पन्न करने को अनाधिकृत अधिकारित है? सर उपबंध मींस क्या होता है? अरे उपबंध मतलब कुछ नियम बनाना, कुछ कानून बनाना, उनके रिगार्डिंग में कौन बनाता है? भारत की संसद ही तो बनाती है सर। अट्ठा माजी छटक लिया, अरे रुक जाओ। राज्य सूची का राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय तो उसमें राज्य विधानमंडल ही बनाया। अब सुनो सुनो, फिर मैं बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, नहीं फिर भूल जाओगे, फिर मैं किसी जमाने में ये क्वेश्चन पूछूंगा तुम गलत जवाब दो। सुनो इधर ध्यान से देखो, याद देखो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि राजस्थान में सरपंच के लिए जब बीजेपी गवर्नमेंट आई ना, तो वहाँ पे बोल दिया कि एजुकेशन अनिवार्य है, ठीक है, मतलब जो वसुंधरा राजे की सरकार में। फिर उसके बाद में जब कांग्रेस आई तो उन्होंने हटा दिया, अभी बोला कोई नहीं अनपढ़ व्यक्ति भी सरपंच बन सकता है। अब सब ऐसी बात है, ये सब डिसीजन कौन ले रही है? राज्य विधानमंडली ले रही है ना, ठीक है। चलो अब नहीं ना, 17 का जवाब दो, 17 क्वेश्चन का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामने बोर्ड पढ़ा है ना, कंटेनमेंट एरिया याद रखना, ये उधर है ना विजन की टेस्ट सीरीज जरूर, तो नहीं करेगा इस मामले में, जरूर क्वेश्चन आएगा विजन की पिटी वाले क्वेश्चन। ना ए होगा ना बी होगा। ठीक है भाई, कार्ड दिए भाई। सही बात है। देखो सुनो, छावनी बोर्ड होता है ना, वो सेंटर गवर्नमेंट के अधीन आता है, और सेंटर गवर्नमेंट में भी शायद गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के अधीन, थोड़ा देख लेना,
उसके तहत आता है। अब ये सेंटर का विषय हो गया, ये पंचायत राज्य सूची का विषय हो गया, तो सभी बात इन दोनों की अनुमति से होगा ना। चलो वापस से आ जाओ सपना, और इसमें कर दो अपना ट्यूशन, ट्यूशन सॉल्व करो, गलत नहीं होना चाहिए। करो बताओ बताओ जल्दी। लेकिन इसका ना डी आ जाएगा। डी 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 गलत है। रुक जाओ, अब इसका जवाब देंगे। नर्मदा नहीं, रुक जाओ। पूजा जाग रही हो तुम? पूजा तो गई। चलो ठीक है, ना गिरा तुम बताओ। इसका होगा पहला, दूसरा और पांचवा। हाँ, देखो, नगर पालिका परिषद चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जिस नाम मतदाता सूची में चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। मतदाता सूची में नाम तो 18 साल का ही हो जाता है। समझ में आया क्यों गलत है स्टेटमेंट? ठीक, अगला, कोई भी व्यक्ति दो वार्ड से पार्षद चुनाव एक साथ लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तो पाकिस्तानी भी हो सकता है। समझ में आया? गलत। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। देखो, एक चीज़ याद रखना, देखो, वार्ड मेंबर जो बनता है उसके वार्ड के सदस्यों में से बनता है, पहली बात याद रखना। ठीक, जब वो वार्ड पंच बन जाता है या मान लो कि पार्षद बन गया है, मतलब दोनों सेम चीज़ है। ठीक, मान लो पार्षद बना तो बस समझ, देखो, मान लो सब जगह से मान लो पार्षद चुन के आते, फिर इन्हीं में से अध्यक्ष बनता है, याद रखना। तो व्यक्ति एक अध्यक्ष और पार्षद दोनों एक साथ चुनाव लड़ सकते। ठीक है, ये सीखने वाली बात है, याद रखना, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चलो सपना, सपना फिर बताओ, तुम 19 बताओ, तुम्हें छो इसका तो जवाब सही देना। ये भगवान, तुम्हारा क्या ही होगा रे। चलो रुक यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है मेरे पढ़ाई चैप्टर। तुम्हारा पढ़ाई तो घर वालों को लड़ने झगड़ने में चला जाता, तो कहीं दिमाग लगाओ कोई। चलो रुको, वैसा नहीं सही बता रहा हूँ सपना, कहीं ना कहीं तुम्हारा ये कारण है, मतलब तुम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा सकते, दिन भर तुम्हारे माइंड में थॉट और प्रोसीजर चलते रहेंगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए बता रहा हूँ, घर वालों से लगना झगड़ना सोचो, साधु संन्यासी बनो। साधु संन्यासी मतलब ये होता है कि रिएक्ट नहीं करता चीज़ों को, चाहे कैसा भी कोई, चाहे समय काल परिस्थिति। गीता का ना एक श्लोक है, सेकंड या थर्ड चैप्टर में जाके पढ़ना, उसमें मतलब उसमें श्लोक है, उसमें ऐसा बोला जाता है कि जैसे मैं गीता 3 बार पढ़ ली, एक ही श्लोक याद नहीं हुआ। सुनो ध्यान से, एक चीज़ ये सभी के लिए अप्लाई होता है। देखो, जैसे मान लो एक जो महिला होती है, सुनो ध्यान से समझना, वो चाहे गर्मी रहे, चाहे सर्दी रहे, चाहे बरसात रहे, फिर भी वो जो चूल्हे के पास बैठ के रोटी बनाती है, अब उसके लिए चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए, सब फिर भी उसको जो दायित्व है उसको निभाना है। अब वो ऐसा नहीं है गर्मी आ गई तो मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। समझ में आया मतलब? तो मेरा कहने का मतलब, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कुछ भी बोलते हो, कुछ भी है, अब वो चीज़ें तो बोलते रहेंगे, तुम्हारा जो काम हो वो करो। अब तुम उसको, तुम क्या होते हो ना, उनको जवाब देने लग जाती हो।
अब तुम्हारे माइंड में स्वाभाविक सी बात है कि वो चीजें चलती हो जाती है। हाँ तो ये गलत है ना, ये गलत है ना। जैसे मेरी तरह बनो भाई मेरे घर वाले तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले मुझे नहीं डांटते होंगे? 6-6 बार फेल हो गया, दिल्ली में रह रहा हूँ 11-12 साल से, मैं घर से बाहर हूँ, कितना पैसा खराब कर दिया, क्या मेरे घर वाले नहीं डांटते मुझे? पर मेरी तरह बनो कि मेरी तरह उनके पास होगी तो नहीं वो डांटेंगे कैसे? अरे नहीं फोन पे, अरे फोन पर डांटते ही ना ये बात तो सही है भाई। मैं ना घर गया था ना लॉकडाउन में तो बुरा हाल हो गया था बात कर गया मैं चलो ठीक है। आप बोल रहे थे ना तो आपका मूड दिख रहा था ऑफ है, जब आप बोल रहे थे मेरे पापा का कॉल आया था। तो मतलब ये रहता है, ऐसा नहीं है घर वाले डांटते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं चीज़ों को अनस्टेबल, मतलब आप पढ़ते वक्त वो चीज़ों को माइंड मत रखो। अरे मैं फिर बताऊँ, रिएक्टिव मत बनो। आपको चीज़ एक्शन हो रहा है, आपको घर वाले डांट रहे, तो रिएक्टिव मत बनो उन चीज़ों में। अरे इमीडिएट एक्शन मत कभी मत लो है, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो कभी इमीडिएट एक्शन को सोल्यूशन नहीं लाता, ये चीज़ याद रखो भाई। उनको देखो बार बार वो बोल रहे हैं तो उनको आप खुद पढ़ लिख के बताओ ना, उनको गलत प्रूव करो। अब उनको तुम रोज जवाब देते रहोगे तो उससे तो उल्टा तुम्हारा पढ़ाई नहीं होगा, उल्टा वो जो बोल रहे हैं सही साबित हो जाएंगे ना। मैं ना इरिटेट हो जाती हूँ बार बार, में हर टाइम घूम घूम के आएंगे फिर मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फिर वही हाइपर हो जाती हूँ। चलो क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो कुछ बात बोलता, चलो छोड़ो चलो ठीक है। इसका नहीं राज्य चुनाव आयोग आएगा या चलो ठीक है नहीं ना, तुम जवाब दो सर राज्यपाल करेगा। हाँ भाई सभा सी बात है, सेंटर में परमिशन वो कौन सा परमिशन कमीशन है नहीं डिलिमिटेशन कमीशन उसको क्या बोलते हैं परिसर में आयोग है, हाँ उसकी उसकी स्थापना कौन करता है? उसकी स्थापना करता है राष्ट्रपति। तो सभा सी बात है राष्ट्रपति के बराबर कौन है? राज्यपाल। ठीक है चलो अब नर्मदा बताओ बीस होगा। लोग देखो पब्लिक ऑर्डर जो मेंटेन करना होता है वो राज्य का है, नहीं वो ये काम करेगा, अपन तो ये नहीं करेगा। ठीक है चलो अब सुनो ध्यान से, इसका जवाब कौन देगा, अपनी तरफ से कौन देना चाहेगा इसका जवाब? नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, सपना सपना तुम ही बची हो उत्तर प्रदेश की, तुम ही जवाब दो इसका। ग्राम पंचायत तो है इसमें। अच्छा सर मैं बताऊं, मैं बताऊं क्षेत्र पंचायत तो मैंने अभी तो नहीं सुनी अपने यहाँ पे तो सुनी नहीं है। चलो बताओ कौन बता रहा था बताओ नगीना बताओ बताओ। इसमें ना एक और वो दो और तीन आएगा पक्का। गलत है बताओ नगीना। नगर पंचायत नहीं सुनी नगीना बताओ। अरे भाई सभा सुनो, निम्न पंचायत में किसे उन्हें उत्तर प्रदेश जिला परियोजना में सम्मिलित किया गया? अरे भाई सभा सी बात, तीनों को सम्मिलित किया, सबका साथ सबका विकास। चलो अगला बात है संविधान के अनुच्छेद 243(z)(g) के अनुसार सहकारी समिति निदेशक का अधिकतम संख्या हो सकती है, बताओ जल्दी से। कितनी हो सकती है? अरे पता करो, ये 21 हो सकती है, याद रखना ये चीज़ें, क्वेश्चन स्टेट पीछे से पूछा जा सकता। चलो अभी रुक जाओ, इसका जवाब देगी वैशाली। अर्सना अभी भी खाना ही बना रही है क्या वो? नहीं सर मैं तो हूँ इधर। अरे फिर तुमसे तो क्वेश्चन ही ना पूछा गया, तुम ही जवाब दो। हेलो हाँ बोलो वैशाली, जवाब दो इस क्वेश्चन का 23 का। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? ए 28, बी 29, सी 30, डी 31। आई थिंक सर 29। हाँ सही है। सही है चलो 24 का जवाब दो सना। अब सना का नंबर है, अब सारे क्वेश्चन सना ही जवाब देगी। चलो शुरू हो जाओ सना फटाफट से। सर
ठीक है मैम, न्याय ये न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति में की गई थी। अशोक मेहता समिति कब आई थी बताइए? कौन सी वाली सर? ये अशोक मेहता समिति सर मैं याद नहीं आ रहा है, 1952 1977 सर तो सपना बताओ, जीके वे राव समिति और ये सरकारी आयोग कब आया था? सरकारी आयोग कब आया था बताओ? सरकारी आयोग सर 1989 गलत, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता। एंड जीके राव तो 1988 में आया था, ये तो पता है। ये जीके राव कब आया था? 1986 या 1988 गलत। चलो नर्मदा तुम बताओ ये कब कब आए हैं, ये लोग भूल गए वापस से, या याद दिलाओ इन लोगों को। सर नम्रता नहीं, नम्रता है सर, नम्रता नहीं ये देखो नर्मदा, नर्मदा है ना? नहीं सर नम्रता है उसका नाम, नर्मदा। अच्छा मतलब ये मैप पे लगता है, ये ऐसी हुई थी देखो 1957 से फिर 77 फिर 77 से फिर 85 से 86 से 88 फिर 88 फिर हुई तो फिर हुई थी। हाँ ये दोनों को बताओ ना इसका 85 सर, ये जी के राव 85 सही है, हाँ सही है, ये पक्का है। अब ये सरकारी आयोग कब है? 1983 याद रखना चीज। चलो ठीक है आप बताओ अगला सना बताओ 25 का। याद रखना देखो डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो 26 का बताओ। पता है चलो ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन 243D याद रखना है चीज। डी हाँ 243D। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है फटाफट बताओ? 24 अप्रैल 1959 को ही पहली बार वो घोषित हुआ था। ठीक है नागौर में राजस्थान, नागौर। चलो जिला यो आयोजन समिति निर्वाचित पदेन सदस्य कितने होते बताओ? निर्वाचित होते 20 और पदेन सदस्य होते 5। ये तो है ही नहीं इसमें, ये आरएस वहीं से उठा के लाता है क्वेश्चन ये पता नहीं कहाँ से उठा। चलो छोड़ो बातें, संविधान के अनुच्छेद 243JJ के अनुसार सहकारी समिति निदेशक अधिकतम संख्या, याद करो ये रिपीटेड क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए बताओ? 21 याद रखना है चीज। चलो थर्ड बताओ सना बताओ 30 क्वेश्चन सर बता रहे एक मिनट सर। ग्राम पंचायत में अधिकतम संख्या 25 हो चुकी है, ग्राम पंचायत में यदि 15 निर्वाचित हैं तो 5 मनोनीत किए जाते हैं सर, ये सही है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, हाँ ठीक है सर। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, लाट नहीं आएगा लोट, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं सर, ये हो जाएगा सर। ये वाला पंच वाला गलत है, 5 वाला मनोनीत सदस्य बैठे भाग लेते हो मतदान कर सकते हैं, ये बात सही है। बाद में गांव में अधिकतम पंचायत, लेकिन सर कुछ ग्राम पंचायत में कोई भाग नहीं लेता सर, सचिव और ग्राम प्रधान बैठ के सारी नीति। अरे रुक जाओ तुम लोग गलत जाओ, ये क्वेश्चन तो पढ़ लो ग्राम पंचायत विषय में क्या सही नहीं है।
तभी तो मैं देखूं कि ये वाला स्टेटमेंट कैसे सही हो। मेरे को भी सर, मैं भी तो वही सोच रही हूँ सर। अरे इसका पक्का मतलब तुम आंसर टीम के आए हो लोग। नहीं सर। अब रीजन बताओ मुझे, यू हैव टू क्लेरिफाई दिस क्वेश्चन, क्लेरिफिकेशन दो। क्लेरिफिकेशन दो आप इस क्वेश्चन को। कल एक पीडीएफ भेजा था मैंने, देखा था आप लोगों ने? कौन सा सर? वो हिस्ट्री वाला ना? हाँ। डाउनलोड नहीं हुई थी वो, इस सीआई वाली बुक है? अरे नहीं, वो एक पुरानी बुक है जिसमें 1979 से यूपीएससी के क्वेश्चन है, तो वो करेंगे अपन। वो पीडीएफ मैंने वो कोर्स लिया है, वो करेंगे अपन। ठीक है हाँ सर, देखिए मेरे करेंगे वो। सर आपने कुछ लिखा भी था ना उसपे कि मैंने ये परचेज किया है। हाँ उसमें है ना, आप सारा मिल गया है सेक्शन वाइज, सबको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अपने पास। देखो उसमें क्या क्या है, यूपीएससी जितने भी एग्जाम क्वेश्चन कर कंडक्ट करवाती है ना, तो सारे क्वेश्चन है वो यूपीएससी। जैसे मान लो कि सीडीएस करवाती है, एनडीए करवाती है, सीएपीएफ करवाती है, इंजीनियरिंग सर्विस करवाती है, ठीक है, और इसके अलावा भी जो जियो साइंटिस्ट का करवाती है, ईपीओ को करवाती है, ठीक है। तो ये सारे पेपर है यूपीएससी के क्वेश्चन है 1979 से लेकर 2023 तक। पूरा इंग्लिश से है? तो मैं हिंदी में करवाऊंगा ना, तो मैं उधर से पढ़ते जाऊंगा साथ में, फिर मैं करवाते जाऊंगा। ठीक, देखता हूँ मैं मार्केट में, अगर वो बुक मिल जाती है तो। मैंने खोजा था एक बार, ट्राई किया तो शायद वो बुक मिल जाएगी, एक बार देखना पड़ेगा मार्केट। वो हिंदी में मिल जाएगी जिसमें क्वेश्चन है हिंदी में, देखना पड़ेगा 1979। हाँ बोलो। ऐप ले, उसमें पूरे पेपर है। और बात है ना कि अपन जो क्लास लेंगे तो ऐप तो नहीं चलेगा ना, ऐप पे क्लास नहीं लिया जा सकता ना। ओपन होगा शायद। चलो देखते हैं जो भी है, पर नहीं शायद नहीं हो। चलो ठीक है, वो मैं कर लूँगा, टेंशन मत लो। वो मैं रिद्धि को बोल दिया, वो पीपीटी तैयार कर रही है, तो 1995 से लेके 2023 तक तो मामला रेडी है। ठीक है, वो 2010 तक टाइप कर देगी। 2011 से तो अपने पास पेपर है ही, 2011 2023 उधर पेपर में करेंगे अपन। ठीक, इधर वो पीपीटी रेडी कर रही है, तो ये काम हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन बचेंगे अपने पास 1979 से यूपीएससी वाले, तो उधर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, परंतु वो हो जाएगा, उससे अच्छा खासा हो जाएगा। जैसे मान लो, अरे ये देखो, ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी किया ना, ये भी बहुत कुछ सिखाएगा। चलो ठीक है, क्या सही नहीं है, देखो गलत ढूंढना है, ग्राम पंचायत अधिकतम हो सकते, तो ये स्टेटमेंट सही है। मैंने कितनी बार बोलता सकते वाले वर्ड सही होते। मनोनीत नहीं आएंगे सर इसमें? हाँ, 5 मनोनीत किए जाते, मनोनीत कहाँ होते, निर्वाचित होते। ठीक, गलत होते। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करते, तो वही गलत, जब यहाँ गलत यहाँ पे गलत होगा। ठीक, ग्राम पंचायत 10 पंच भी हो सकते मतलब सही है, समझ में आया। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता। ठीक है, ये तो हो गया, मतलब कि देखो अब कौन कौन सा गलत है। लॉट क्या होता है? अरे ये तो मुझे भी पता नहीं लॉट क्या होता है। मेरे अनुसार शायद वो लॉटरी सिस्टम होता ना, उसी के आधार पर लॉटरी हो गई पक्का, देख लेना। चलो छोड़ो, मनोनीत सदस्य बैठे भाग लेते मतदान कर सकते हैं? नहीं, मतदान नहीं कर सकते। याद करो, मनोनीत सदस्य कभी मतदान नहीं करते, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में नहीं करते। ठीक है, याद रखना चाहिए। चलो तो ये बताओ, अभी इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, या मैगजीन पढ़ना चाहोगे क्या पढ़ोगे, बताओ जल्दी से। आप मेरे को किसी से पता नहीं है, बट आपने मैं ऐसे बोलती से जो हर मंथ की जो मैगजीन आती है ना, उसके बस टॉपिक बता दिया करो पढ़ने पर, फिर अपने आप कर लिया करेंगे बाकी। आप फिर एनसीईआरटी पढ़ा दे। आप सब लोग एग्री हो इस बात से? हाँ भैया, उसको क्या करें पता है, जो इंडेक्स पार्ट होता है ना, आप उसमें प्रीमेंस के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, ग्रुप पढ़ अपने से करंट अफेयर्स। और लोग बोलो, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अपना दिमाग तो समझ नहीं आया सर, ये मतलब ये है कि ये बोल रही है कि सर आप जो विजन आए, इसके जो मैगजीन होता है उसके इंडेक्स होता है, उसमें बता दो कि सर ये मतलब पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम खुद से पढ़ लेंगे फिर उसको।
अरे ये बोल रहे कि आप एनसीईआरटी को पैरेलल चलाओ, मतलब रेगुलर एनसीईआरटी चलता रहना चाहिए ये आप, मतलब ये बस एक बार टॉपिक बता दो। नो सर, हाँ ये भी रहेगा कि हम प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी भी रखेंगे फिर। हाँ ऐसे भी एनसीईआरटी होना ही भी आप, चाहिए आप कराएंगे ठीक है। चलो फिर एनसीईआरटी शुरू करते हैं, तो 5 मिनट रेस्ट ले लो, फिर एनसीईआरटी शुरू करते हैं ठीक है। तो 10:05 पे मिलते हैं, 5 मिनट रेस्ट ले लो। ठीक।